नमस्कार दोस्तों, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो पेपर सॉल्व करेंगे वो बड़ौदा डिवीज़न का पेपर है, ओएस का पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। वेस्टर्न रेलवे के बड़ौदा डिवीज़न द्वारा आयोजित जो ओएस एलडीसी का पेपर है 20%, जिसे डायरेक्ट कोटा भी कहा जाता है, रिक्रूटमेंट कोटा, उसके लिए जो आयोजन किया गया था वो 15 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। इस पेपर को जो है वो सॉल्व जो शेयर किया था वो थे धर्मेंद्र कुमार जाट जी। तो चलिए, इंस्ट्रक्शन आपने मेरे ख्याल से देख लिया है, और चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलिए, धर्मेंद्र कुमार जाट जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पेपर शेयर किया है, और इसे सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि ओएस के पेपर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर ही है, दिसंबर 2021 का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जा सकता है। एन एम्प्लॉय मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। ऑप्शन ए है, जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो। बी, राज्य के प्रति कुल गतिविधियों में संलग्न होने पर। सी है, जब एक आपराधिक मामला जांच पड़ताल जांच या परीक्षण लंबित हो। डी है, उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी है। ए है, व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम। बी है, व्हेन इंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रिजुडिशियल टू द स्टेट। सी, व्हेन ए क्रिमिनल केस इज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल। तो जैसे कि मैं पहले हमेशा की तरह बताता रहता हूँ कि आपको कहीं भी उपरोक्त में से सभी दिखे तो ऑप्शन उस ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हैं तीन ऊपर के वो सभी सही हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि ये रेलवे सर्वेंट मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन व्हेन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम आर कंटेम्पलेटेड और ए आर पेंडिंग और वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही हैज इंगेज्ड हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज ऑफ ए प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और व्हेन ए केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल। तो ये चारों तीनों बातें जो हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। डैश और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए एपीआर में स्व मूल्यांकन आवश्यक है। सेल्फ अप्राइजल इन एपीएआर इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लाइज वर्किंग इन डैश एंड अबव। तो एपीआर जो आपको पता ही है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है, ये लेवल 6 के ऊपर के कर्मचारियों के लिए सेल्फ असेसमेंट सेल्फ अप्राइजल भरना जरूरी होता है। उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा से हटाने या बर्खास्त करने का दंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? द पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल कैन बी इम्पोज बाय हुम इन द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, नियंत्रण अधिकारी यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर। बी, नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सी, जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर। एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्टिकल जो है 3 1 1 311 एक के अनुसार जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो इसको कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रेम पीआरईएम बैठक प्रत्येक
डैश महीने में एक बार मंडल स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। प्रेम मीटिंग शुड बी हेल्ड एज डिविजनल लेवल वंस इन एवरी 3 मंथ्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। जब किसी कर्मचारी को प्रारंभ में लेवल 5 में वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सामान्य स्थिति में वेतन की कौन सी दर दी जाएगी। व्हेन ए स्टाफ इज इनिशियली अपॉइंटेड एज ए सीनियर क्लर्क इन लेवल 5 विच रेट ऑफ पे विल बी गिवेन इन जनरल केस। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इससे इस तरह के सवाल काफी आ रहे हैं, तो हमने एक वर्ड की फाइल बनाई है वहां चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 29,200 रुपये, 29,600 रुपये, 29,300 और 29,100 रुपये। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ये देखिए, ये आप इसे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, लेवल 1 के लिए जो है 1,800 रुपये हैं, लेवल 2 के लिए 19,900 रुपये, लेवल 3 के लिए 21,700 रुपये, लेवल 4 के लिए 25,500 रुपये, लेवल 5 के लिए 29,200 रुपये जो हमारा आंसर है। ठीक है, और लेवल 6 का है 35,400, ठीक है, और लेवल 7 के लिए है 44,900 रुपये और लेवल 8 के लिए 47,600 रुपये। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम कंडक्ट की जा रही है वो लेवल 6 के लिए की जा रही है, 35,400 के लिए। तो कोई जूनियर क्लर्क में है जैसे 19,900 पे है, लेकिन उसका बेसिक पे होगा, लेकिन ये 5 साल या 3 साल का वो होना चाहिए वो इसमें एलिजिबल होने के लिए। तो उस हिसाब से अगर वो कितने पे भी जाता है और वो 35,400 रुपये एक लंबी छलांग लगती है लेवल 2, 3 और लेवल 3 एंड 4 एंड 5 के बीच जो है वो डायरेक्ट लेवल 2 से 6 में आ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लेवल 6 वाले जो हैं वो लेवल 7 और 8 के लिए एलिजिबल होते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, जिसमें से जब अगर एपीयू की एग्जाम देनी है तो 3 साल की कम से कम होनी चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस, और फिर 5 साल की होनी चाहिए 30% एलईसी कोटा के लिए, और जो आपको 3 साल बताया वो 70% रेगुलर कोटा है, जो है रैंकर कोटा है वो उसके तहत। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, अदरवाइज लिख लेना चाहिए रोक के, ताकि आपको इस पॉइंट को आपको समझने में काफी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आप कहीं अटके नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रेम का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PREM। प्रेम का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे इम्प्लाइज इन मैनेजमेंट, जो ऑप्शन बी के अंदर है, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं। कॉनकॉर का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉनकॉर। कॉनकॉर जो होता है वो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। वचनबद्धता यानी कि चार्टर, वचनबद्धता चार्टर के अनुसार माइनर डीआर को अंतिम रूप देने की समय सीमा क्या है। एज पर चार्टर ऑफ कमिटमेंट व्हाट इज द डेडलाइन टू फाइनलाइज माइनर डीआर केसेस। तो देखिए इसके अंदर जो है दो चीजें दी गई हैं, माइनर और मेजर की दी गई है। ठीक है, तो आजकल क्वेश्चन घुमा के भी आते हैं कि भाई SF-11 अगर आपको दिया गया है तो आपको इस चार्टर के अनुसार कितने दिन में आपका केस फाइनलाइज हो जाना चाहिए, या फिर मेजर डीआर दिया गया है, SF-5 दिया गया है, तो आपको कितने दिन में हो जाना चाहिए। इस तरह के आजकल क्वेश्चन चेंज कर दिए जा रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना उचित रहेगा। माइनर डीआर केसेस को जो फाइनलाइजेशन की जो डेड लाइन दी गई है वो 31 दिन की दी गई है। ठीक है, और मेजर के लिए 150 दिन की दी गई है। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके प्रेशर के साथ आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की पूरी संभावना है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ गए हैं। एक कर्मचारी के डैश के भीतर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके हिसाब से जो ऑप्शन सी है 1 महीने वो सही होगा। एन एम्प्लॉय कैन गिव ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन विथ इन 1 मंथ, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन मे बी गिवेन विथ इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द प्रमोशन। ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। उसके बाद आपको फिर वो नहीं करना है भाई ने मुझे बैक होना है, तो वो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एचआरएमएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरएमएस? एचआरएमएस का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक कर्मचारी के लिए स्वीकार्य अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल टू ए रेलवे सर्वेंट? तो ये जो है वो 15 दिन की है, अधिकतम 15 दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। आपको जैसे पता ही है, अब इसमें बताने जैसा क्या है, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और इस एग्जाम के अंदर अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखे हैं तो आप 40 से 45 क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 80% अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको किसी एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी सॉरी रनिंग स्टाफ की पेंशन और ग्रेजुटी की गणना के लिए मूल वेतन का डैश गिना जाएगा। डैश ऑफ द बेसिक पे विल काउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी ऑफ द रनिंग स्टाफ। तो पेंशन और ग्रेजुटी जो है उसके लिए 55% का गिना जाता है, ठीक है। पे एलिमेंट में यही है, ठीक है। तो 12 का मेरे ख्याल से यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आ गए हैं। जुलाई 2016 से संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत वित्तीय यूनियन के अनुदान के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए APAR का न्यूनतम बेंच मार्क क्या है? व्हाट इज द मिनिमम बेंच मार्क ऑफ APARs ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम फ्रॉम जुलाई 2016 ऑनवर्ड्स? ए पिछले 3 वर्षों का शानदार आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। बी पिछले 3 साल का बहुत अच्छा वेरी गुड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। सी पिछले 3 साल का अच्छा यानी कि गुड। सी डी है पिछले 3 साल का औसत एवरेज फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब जो है कम से कम कहते हैं कि 12 पॉइंट होने चाहिए। इस हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो ऑप्शन बी सही होगा। पिछले 3 साल का वेरी गुड। यहाँ पे जो पॉइंट मिलते हैं वो 5 मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 मिलते हैं, यहाँ पे 3 सॉरी चलो 3 यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको 3 साल का करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। पिछले रेलवे सॉरी पश्चिम रेलवे के वर्तमान PCPO कौन है? हु इज द करेंट PCPO ऑफ वेस्टर्न रेलवे? ए सुरेंद्र कुमार श्री सुरेंद्र कुमार, बी बी के बिहानी, सी प्रकाश भूतानी और डी इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना वो सही आंसर है। श्री सुरेंद्र कुमार जी यहाँ के PCPO हैं वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। रेलवे बोर्ड के वर्तमान CEO कौन है?
एक्चुअली जब एग्जाम कंडक्ट की गई थी तो ये 15 दिसंबर 2021 को कंडक्ट की गई थी, उसके हिसाब से श्री सुनीत शर्मा हमारे सही आंसर होंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी के त्रिपाठी, ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये बी के त्रिपाठी होंगे। तो बी के त्रिपाठी जो हैं, एक्चुअली इनका नाम, पूरा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, और ये जो हैं ये एक्चुअली IRSEE से हैं, ठीक है, और ये 1983 बैच के हैं, जबकि ये जो थे वो 1982 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, ये रुड़की से उन्होंने पास किया है, ठीक है, रुड़की IIT रुड़की से बीटेक इन्होंने किया हुआ था। तो इतना काफ़ी है, लेकिन जानना चाहिए ये पहले नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रेलवे जो है गोरखपुर, उसके GM थे जब CRB नहीं थे तो, ठीक है, CRB और CEO, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये कितने नंबर के CEO हैं। तो आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम बने थे तो ये विनोद कुमार यादव जी फर्स्ट फर्स्ट CRB हैं, ठीक है, और सेकेंड हैं ये, आपको याद है, श्री सुनील शर्मा, और ये जो हैं बीके त्रिपाठी, ये थर्ड CEO हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए ऐसा सवाल आ सकता है कि थर्ड CEO कौन है, या बीके त्रिपाठी जी जो हैं, विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं, वो कितने नंबर के CEO हैं। तो ये यहाँ याद रखने जैसा पॉइंट है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एनपीएस का नोडल अधिकारी है कौन है, एनपीएस का नोडल अधिकारी जो होता है FNCO होता है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लाइन स्टाफ को हर साल कितनी प्रतिबंधित छुट्टियां मिलती है। ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 10 और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी, अब क्यों होगा, आपको पता है उनको जो है वो जनरल जो क्या बोल सकते हैं उनको, जनरल हॉलीडे होता है वो मिलता है, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं मिलता है, तो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे इनके लिए नील हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है पुराने वीडियोस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आ गए हैं। एक श्रेणी के रूप में वर्गीकृत शहर में एचआरए की मौजूदा दर क्या है, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ एचआरए इन ए सिटी क्लासिफाइड एज एक्स, ठीक है। आपको पता ही है कि एक्स वाई एंड जेड ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है, और जो पहले था वो मेरे ख्याल से चेंज हो गए हैं, और आज के डेट में जो है वो 27% है, फिर उसके बाद 18% है, और उसके बाद 9%, ठीक है, क्योंकि जो दर था अगर वो 25% से अधिक बढ़ता है तो वो रिवाइज करना था, ठीक है। उसी तरह अगर 50% अगर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 30% पे, ठीक है, फिर इसी तरह 20% हो जाएगा, और उसके बाद 10%, ठीक है, क्योंकि जैसे ही 50% क्रॉस होगा वो फिर से रिवाइज हो जाएगा, ये जो है वो 25% DA बढ़ने पे, और ये 50% DA बढ़ने पे है, ठीक
ठीक है, उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो डी है, 27%, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है और आजकल ये काफ़ी रिपीट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी एग्ज़ाम जो APO AM बहुत सारे एग्ज़ाम में, मतलब जो भी स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन जब डिमांड होती है तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टोर सस्पेंस के लिए प्लान हेड है, द प्लान हेड फॉर स्टोर सस्पेंसेज, तो एक सिंपल सा लाइन है, प्लान हेड सस्पेंस जो है वो 71 है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, यानी कि ये फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो ये जो आपको दिख रहा है ये सिस्टम, ये ट्रैफिक फैसिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रैफिक फैसिलिटी से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, तो ये भी पूछे जाएंगे। फिर 51 भी है जो स्टाफ एंड वेलफेयर से रिलेटेड है, और 41 भी एक इम्पोर्टेंट प्लान हेड है जिसमें MNP होता है, मशीनरी एंड प्लांट्स होते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम आगे, कभी ये रहा तो जिसे पे लेवल के चार्ट बनाए थे वैसे ही इसमें एक चार्ट बना के अपलोड किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टोर बजट इज द पार्ट ऑफ द डिमांड नंबर, स्टोर बजट मांग संख्या डैश का हिस्सा होता है। तो देखो एक्चुअली क्या है कि डिमांड नंबर सिस्टम जो है ना वो सबको एक साथ समेट कर यहाँ पे लाता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इज द पार्ट ऑफ डिमांड नंबर सिस्टम, क्योंकि मैकेनिकल किसी चीज़ की भी हो ना, ये इसके अंदर ही किए जाते हैं, ठीक है, ये जनरल फेनोमेना है। अगर आपको कुछ पता है ज़्यादा है इसके बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप विथ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, टेंडर खुलने के बाद टेंडर केस की प्रोसेसिंग इस बात पर निर्भर करती है, प्रोसेसिंग ऑफ द ए टेंडर केस आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ए टेंडर डिपेंड्स ऑन ए खरीद का अनुमानित मूल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ परचेस, ओके, बी उच्चतम प्रस्ताव के अनुसार केस का मूल वैल्यू ऑफ द केस एज पर हाइएस्ट ऑफर, सी न्यूनतम प्रस्ताव के अनुसार केस का मूल वैल्यू ऑफ द केस एज पर लोएस्ट ऑफर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझनी जैसी है कि आपने किसी चीज की वैल्यू लगाई है, एक पेन की वैल्यू लगाई है 10 रुपया, अगर वो उस रेट पे नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अगर वो 12 रुपये में आता है, 16 रुपये और 18 रुपये के ऑफर आते हैं, तो जो न्यूनतम होगा ना, जो भी न्यूनतम प्रपोजल होगा, लोएस्ट प्रपोजल ऑफर या लोएस्ट ऑफर जो कोई कंपनी दे रही है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, न्यूनतम प्रस्ताव के अनुसार केस का मूल, यही सही आंसर होगा, ठीक है। अब एक केस मुझे याद आ रहा है लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कभी और डिस्कस करेंगे इस टेंडर के अंदर, क्योंकि एक खरीदारी की जा रही थी बच्चे के लिए, जो इन्फेंट बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है उनको एक ग्लास वाले टेबल पर रखा जाता है ताकि उनकी टेम्परेचर लो रहे, लेकिन ये चीज़ें जो हाई लेवल की चीज़ें होती हैं ये काफ़ी ये होती हैं, तो इनकी मार्केट है नहीं, बहुत कम है, क्योंकि वो प्राइवेट वाले ज़्यादा खरीदते हैं, रेलवे इस तरह की चीज़ें नहीं खरीदती है। लेकिन एक एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि चलो भाई मुझे ये खरीद के चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो जन्म होता है उसके बाद उनकी जो डेथ रेशियो है उसको कम करने के लिए इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि पहले जो बच्चे प्री मेच्योर बर्थ हो जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी जरूर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने उसकी खरीदारी करने के लिए प्रस्ताव किया था और दो तीन प्रस्ताव ही आए थे, दिल्ली से आया था, मुंबई से आया था और एक अहमदाबाद से आया था, तो वो प्रस्ताव काफ़ी हाई रेट पे थे, लेकिन डॉक्टर की ज़रूरत थी और उसके बारे में मार्केट वैल्यू की गई, तो वो काफ़ी पता चला कि भाई लो रेट पे तो मिल ही नहीं सकता है, और दूसरा कि डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए वो कौन बताएगा, क्योंकि उसके लिए प्लग होते हैं, उसके लिए अंदर बल्ब्स होते हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें खरीदने के लिए भी हमने वो प्रस्ताव, ये जो टेंडर है के बारे में बताया गया, ये हमने किया था, इसलिए मैंने बोला कि ये कि लंबा केस है, लेकिन शायद मैं समझा पाया आपको इस केस के बारे में। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, स्क्रेप का निपटारा किसके द्वारा किया जा सकता है, डिस्पोजल ऑफ स्क्रेप मे बी डन बाय विच,
ए नीलामी यानी कि ऑक्शन, बी अन्य सरकार के बिक्री विभाग और उपक्रम को, सी यानी कि सेल ऑफ द गवर्नमेंट सेल टू गो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग, सी है निविदा द्वारा बिक्री सेल बाय टेंडर, एंड डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा जो फॉर्मूला है उस पे आप इस्तेमाल करते हुए डी को मार सकते हैं, ऑप्शन डी को चूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि स्टोर मैनुअल जो है ना उसके अंदर चैप्टर 23 एंड 24 है, उसमें ऐसा है कि उसमें एक मतलब ये ऐसा था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर ऑल ऑफ द अबव जहाँ दिखे वो 80 to 90% सही होंगे, 10% का रिस्क है, आप उसको उठा भी सकते हैं, आप नहीं भी उठा सकते, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये स्टोर मैनुअल के चैप्टर 23 एंड 24 का पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 24 के पैरा नंबर 2409 कहता है कि स्क्रैप विल बी सोल्ड जनरली बाय द ऑक्शन, बट द एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर द मोर एडवर्टाइज प्राइस आर लाइकली टू बी ऑप्टेन और अदर वे द डिस्पोजल इनुमरेट एन ए पैरा 2302S में बी एडोप्टेड, यानी कि ये जो 2302 पैरा है वो चैप्टर 3 में है, उसको फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये काफी मतलब आपको नॉलेज जो चाहिए वो स्टोर वाले लोगों से आपको लेना पड़ेगा या फिर स्टोर मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, काफी टफ सिचुएशन है आपके लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जो मैं जो ट्रिक बताता हूँ कि ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, 23 पे, के पैरा 2302S, वो क्या कहता है, सेल मे बी अफेक्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे, बाय द पब्लिक ऑप्शन, बाय इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर परचेस, पैराग्राफ नंबर उसमें उसके अंदर भी है 2320 से लेके 2324 तक, एज सबमिटिंग टेंडर ऑफरिंग सेल, और पैराग्राफ नंबर 2200 जो है यानी कि चैप्टर नंबर 22 को भी इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने, और जो उसके अंदर है 2237 से लेके 2239 तक का, और बाई डायरेक्ट सेल। तो ये सारे चीज़ों समझने के लिए काफ़ी डीप नॉलेज की जरूरत है। जो एमएम की तैयारी कर रहे हैं ना, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर या डिविजनल मैनेजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, अदरवाइज ये ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। टीएनपी मधु का स्टॉक सत्यापन प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ टीएनपी आइटम इज डन इन एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, तो 3 ईयर्स में किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहां पे एक और है जो 3 ईयर्स में किया जाता है, ये टीएनपी है यानी कि टूल्स एंड प्लांट्स, यहाँ पे एमएनपी होता है, ठीक है, एमएनपी भी 3 ईयर्स में किए जाते हैं, यानी कि मशीनरी एंड प्लांट्स, जो मैं अभी बता रहा था कि आपको प्लान हेड जो इसका 41 है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइड है। फिर एक रोलिंग स्टॉक होता है, रोलिंग स्टॉक का प्लान हेड भी आप बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ऐसा है कि वो उसका 21 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 पे आ गए हैं। डिमांड नंबर 16 का प्लान हेड 31 किसके लिए है, ठीक है, तो जो ये है 31 है वो ट्रैक रिन्यूएबल के लिए है, दैट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द प्लान हेड 31 ऑफ डिमांड 16 फोर, ठीक है, तो ट्रैक रिन्यूअल के लिए है। अब इसी के अंदर एक जैसे कि लास्ट जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, स्टोर बजट मांग संख्या का हिस्सा है, तो अगर आप इसको छोड़ के निकल गए हो तो फिर दोबारा वापस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिमांड 16 का प्लान हेड 31 किससे रिलेटेड, यानी कि ये सब डिमांड 16 के हिस्से हैं, आपको एक ध्यान रखने वाली और समझने वाली बात है। स्टोर सस्पेंस जो है 71 है, आपको पता ही है, ठीक है, पैसेंजर एमिनिटीज जो है वो 53 है, ठीक है, और एक बच गया स्टाफ एमिनिटीज जिसको कहते हैं कि 51 है, ठीक है, तो ये सब डिमांड 16 के पार्ट है, ठीक है, तो ये एक समझने जैसा है,
और ये 31 जो प्लानिट है वो ऑलरेडी इसका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। जेम का मतलब क्या है? जीएम, जीएम स्टैंड फॉर व्हाट? तो जेम जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, दैट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएससी क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएससी? डीएससी इज ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन हाउ मेनी डिमांड्स कैन रेलवे एक्सपेंडिचर ये बी डिवाइडेड, ठीक है। रेलवे व्यय को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से जो है वो 16 के अंदर ही डिवाइड किया गया है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरी समझ है, उतना मुझे समझ में आता है। आप इस क्वेश्चन के साथ जा भी सकते हैं या इसे होल्ड पे भी डाल सकते हैं, और फिर आप कहीं से पता करके मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। पर मेरा मानना है कि डिमांड सिस्टम इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जोनल कॉन्ट्रैक्ट की अवधि हर वर्ष कब से शुरू होती है? व्हेन डज द पीरियड ऑफ जोनल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट एवरी ईयर? ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, सेकेंड 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, डी 1 जुलाई से 30 जून। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी कहा जाता है कि द जोनल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। ये एक्चुअली क्या है, वर्क या सप्लाई का जो चैन है हमारे रेलवे के अंदर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप चाहें तो इसे डायरी में नोट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 को देखते हैं। पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को 1 वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित किया जाता है। एन एम्प्लॉय रिफ्यूजिंग प्रमोशन इज डिबार्डेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इसमें किसी को कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधान कार्यालय स्तर पर यानी कि महाप्रबंधक स्तर पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ वर्ष में कुल कितनी पीएनएम मीटिंग का प्रावधान है? हाउ मेनी पीएनएम मीटिंग आर इन प्रोविजन विथ ईच रिकॉग्नाइज यूनियन इन ए ईयर एट द हेडक्वार्टर लेवल, जनरल मैनेजर लेवल? ओके, तो ऑप्शन इज A8, B6, C4 एंड D, नन ऑफ दिज। तो यहाँ पे जो है वंस इन 3 मंथ है, दैट मीन्स 4 इन ए ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इन ए ईयर ही पूछा जा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एक महिला रेल कर्मचारी को कितने दिनों का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाता है? हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव हैज बीन ग्रांटेड टू ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 180 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, प्राण कितने अंकों का होता है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन प्राण? इट्स बी 12 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 33, अधिकतम कितनी अवधि के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? फॉर व्हाट मैक्सिमम पीरियड स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड? ऑप्शन ए है 1 ईयर, बी है 2 ईयर्स, सी है 3 ईयर्स एंड डी इज 4 ईयर्स। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, अधिकतम कितनी अवधि के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अब इसने ये नहीं पूछा है कि एक बार में कितने जो स्टडी पीरियड है, स्टडी लीव है, वो एक बार में स्वीकार किया जा सकता है, दैट मीन्स यहाँ ऑप्शन सी जो है वो मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। अधिकतम कितने अवधि के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकती है? तो 3 साल के लिए किया जा सकती है,
ठीक है, अगर इसने पूछा होता कि एक बार में कितने साल के लिए की जा सकती है, तो वो होता 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक्चुअली क्या है कि ऐसे नॉर्मली 2 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन जो एमबीबीएस डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मैं मान लेता हूँ कि जो डॉक्टरों को दी जाती है वो 3 साल के लिए जाती है, 36 महीने के लिए, तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, नर्स स्टाफ को ड्रेस भत्ते का भुगतान किया जाता है, ड्रेस अलाउंस टू नर्स स्टाफ इज पेड, तो 1800 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, यही है मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, मैट्रिक्स लेवल 5 के कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात किस श्रेणी का 3 सेट सुविधा पास जारी किया जा सकता है। तो लेवल 5 के अधिकारियों को जो पास दिया जाता है वो सेकंड क्लास ए का पास दिया जाता है, तो 5 साल कंप्लीट हो या नहीं हो कंप्लीट, तो भी सेकंड क्लास ए पास दी जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 5 साल कंप्लीट होने पे 3 सेट हो जाएंगे और ऐसे नॉर्मल 1 सेट मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एमएसएपी के तहत किस श्रेणी के रेलवे कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया है, विच के कैटेगरी ऑफ रेलवे एम्प्लाइज इज नॉट कवर अंडर एमएसएपी। तो जो ग्रुप ए के कर्मचारी है ना, जो डायरेक्ट ग्रुप ए के कर्मचारी हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन समझने वाली बात है कि लेकिन प्रमोटी ऑफिसर होते हैं, ग्रुप ए में आते हैं, उनको एमएससीपी के अंदर स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, ई ऑफिस में फाइलों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है, विस फैसिलिटी और ए फंक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर फाइल्स इन ई ऑफिस। ए डिजिटल सिग्नेचर है, सी डिलीट करना ये नहीं है, बी क्लोज करना बंद करना ये है, एंड डी भेजना, यानी कि जो काम करते हैं उनको पता है कि ई ऑफिस में फाइलों को डिलीट नहीं किया जा सकता है, और ऐसा माना गया है कि ये 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगे, यानी कि जो बाबू या जो जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, काफी सावधानी से उसमें नोटिंग वगैरह डालें, ये काफी लंबे समय तक एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एनपीएस के तहत कौन सा टीयर वैकल्पिक है। ठीक है, अब अंडर एनपीएस विच टायर इज ऑप्शनल, तो टायर एंड टायर वन टायर टू है, लेकिन टायर वन जो हमारा है, जो रेलवे के कर्मचारी या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रलाइज जो सिस्टम है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर के जो कर्मचारी आते हैं, वो टायर वन को उनको लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन टायर टू जो है वो ऑप्शनल है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें पता ही है आपको कि 10% जो है वो कर्मचारी देता है। ठीक है, 10% प्लस डीए भी है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो सरकारें हैं, वो 14% हमको देती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, तो ये 30 डेज है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, अराजपत्रित रेल कर्मचारी को मिलने वाली उत्पादकता आधारित बोनस की प्रतिमाह सीलिंग लिमिट कितने रुपये होती है, व्हाट इज द सीलिंग लिमिट ऑफ प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस टू नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय पर मंथ, तो ये 7000 रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये ग्रुप में भी डाला गया था, जो रेलवे एग्जाम 2022
.in का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी ये पोस्ट मैंने किया था। तो जिस वक्त ये पेनल्टी चेंजेस हुए थे उसी वक्त मैंने किया था। व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ लॉस ऑफ सिल्वर पास एंड सिल्वर पास खोने पर क्या दंड है? तो एक्चुअली क्या है, गोल्ड के लिए तो यहाँ पे है, ठीक है, फिर सिल्वर के लिए यहाँ पे है, और ब्रॉन्ज के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बी है वो सही होगा, ठीक है। यही समझने जैसी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 पे आ गए हैं। रेलवे कर्मचारी की उसकी पूरी सेवा अवधि में कितनी बार 10 दिनों का अवकाश नकदीकरण स्वीकार्य है? तो 6 बार ही उनको मिल सकता है पूरी लाइफ इंटायर सर्विस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, HOR के अनुसार कार्यालय अधीक्षक किस श्रेणी है? एज पर HOR द कैटेगरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इज, तो ये कंटिन्यूअस में आते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रेल कर्मियों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का नाम है क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी फॉर रेलवे पर्सनल, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है निवारण, ये हम लोगों के लिए है, ठीक है। ये तो निक है, एक जैसे क्रिस है वैसे एक निक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो रेलवे या फिर ये ऑफिस वगैरह जो बनाते हैं वो इनके लिए है। रेल मदद एक ऐप है जिसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि लेवल 1 पूर्ववर्ती ग्रुप डी में अन्य विभागों में 10% कोटा के लिए ट्रैक मेंटेनर को शामिल करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो जो आरबी नंबर 121 है उसके अंदर, जो आरबी नंबर 121 2013, उसके हिसाब से जो मैंने जो समझ में आया मुझे वो 38 ईयर्स का है, ठीक है। कहीं और भी कुछ बताया था मुझे ध्यान नहीं है, तो इसके लिए कोई ये रफ वर्क मैं नहीं करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करता हूँ, इसलिए कई चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। HOR के अनुसार एक पूर्ण रात्रि का अर्थ है, तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, ऑप्शन डी जो है वो इस हिसाब से सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, MSEP योजना डैश से प्रभावी है, MSEP स्कीम बिकम ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम द ईयर 2008, 1/9/2008 से लागू है, 1/9/2008 से लागू है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स किस लेवल तक उपलब्ध है? तो लेवल 18 तक उपलब्ध है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड अकाउंट द्वारा बनाए रखा जाता है, सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर आर मेंटेन बाय अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आरक्षण के लिए एल रोस्टर का पालन किया जाता है जहां स्वीकृत कैडर 14 या उससे कम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम फाइनली आ गए हैं हिंदी राजभाषा पे। अगर आपने 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं कुछ छूट गए हैं तो हम इन 5 क्वेश्चनों में से जो भी सॉल्व करेंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये कहता है कि जो पहले 50 क्वेश्चन होंगे उनको उनको ही ये जांचा जाएगा, ऐसा कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हमने देखा है अहमदाबाद डिवीजन के अंदर भी और दूसरे जगहों पे भी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रत्येक वर्ष हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है? हिंदी पखवाड़ा जो है वो 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक मनाया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, संसदीय राजवाद समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राजभाषा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राजभाषा मंत्रालय के अंतर्गत आता है क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यही क्वेश्चन थे, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और हमने इसे पिछले कई वीडियोज़ में वो कर चुके हैं, तो ये कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने देखा। आपको यदि लगता है कि वीडियो किसी के नियर डियर की मदद कर सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में, शेयर करना आपके हाथ में, और किसी ऐसी चीज़ को शेयर करना काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये काफ़ी आपकी नॉलेज को एनहांस कर सका है, या रिपीट आपने पुराने वीडियोस देखे हैं, हमारे पुराने व्यूअर हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल पर ये पहले से उपलब्ध है क्वेश्चन, जाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें, रेलवे का ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।